हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पके हुए आम से बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट नाश्ता। तो आप इसे मिनटों में और आसान तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ एक बड़े साइज़ का पका हुआ आम लिया है। तो आम को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इसके हम तीन टुकड़े कर लेंगे आम को। ये बहुत ही मीठे आम है, तो ये नाश्ता आप मीठे आम से ही बनाइएगा। तो आम को हम इस तरीके से, इसके जो भी गूदे हैं, इसके पल्प है, इसे हम निकाल लेंगे। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है आम से, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आम के हम सारे गूदे हम निकाल लेंगे इस तरीके से, और इसे हम एक अलग से बर्तन में रख लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से आप इसके सारे पल्प को निकाल लीजिएगा। और देखिए, मैंने सारा आम को इस तरीके से निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हम इसे डाल देंगे। तो हमें इसे एक से दो बार बस इसे हमें ब्लेंड करना है, ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। तो इसे हम कर लेते हैं। और देखिए, मैंने मिक्सी चला लिया है, तो काफ़ी अच्छे से स्मूथ सा एक बिल्कुल पेस्ट जैसा हो गया है। तो चलते हैं अब अगले स्टेप की तरफ। तो मैंने एक बड़े सा बर्तन लिया है, तो इसमें हम डालेंगे एक कटोरी मैदा और आटा। तो मैंने यहाँ हाफ हाफ आटा और हाफ मैदा दोनों मिक्स करके एक कटोरी लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। तो पिसी हुई चीनी हम इस्तेमाल करेंगे 3 से 4 चम्मच। तो ये नाश्ता आपको कितना मीठा बनाना है, आप उसी हिसाब से चीनी का पाउडर ऐड कर लीजिएगा। और बस इसमें हम डालेंगे वो आम जो हमने मिक्सी ग्राइंडर में से पीसा था, तो वो हम डाल देंगे। तो सारा पेस्ट हम डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा पानी हम मिक्सी के जार में करके डाल देंगे, ताकि जो भी मिक्सचर हमारा उसमें लगा है वो निकल के इसमें हम डाल देते हैं। और 1/4 इसमें हम डाल देंगे इलायची का पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एक छोटा कटोरी इसमें हम डालेंगे दूध, करीबन 4 से 5 चम्मच ये दूध होगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें लम्स या गुठलियाँ ना हो। तो बिल्कुल हमें ये इसका पेस्ट बिल्कुल स्मूथ सा हमें पेस्ट तैयार करना है। तो थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया था मिक्सी के जार में, तो जो भी मिक्सर लगा हुआ था उसमें, तो मैंने सारा निकाल कर इस बैटर में डाल दिया है। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके का नाश्ता बनाने के लिए हमारा बैटर होना चाहिए। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो बिल्कुल अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा, ताकि लम्स या गुठलियाँ ना हो। तो देखिए, मैं आपको बैटर का टेक्सचर दिखा रही हूँ, तो बिल्कुल इस तरीके का बैटर होना चाहिए। तो चलिए अब हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ गैस पर पैन रख दिया है, तो पैन में हम थोड़ा सा इस तरीके से ऑयल लगा लेंगे। तो आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, या फिर घी भी ले सकते हैं। तो जैसे ही ये गर्म हो जाएगा थोड़ा, तो अब इसमें हम इस तरीके से कलछे से उठाकर एक एक चम्मच हम बैटर इस तरीके से डालेंगे। तो आपका पैन या तवा जितना बड़ा हो, आप उतना नाश्ता उसमें डाल दीजिएगा। तो मैं ये नाश्ता थोड़ा छोटा छोटा बना रही हूँ, तो इसमें 3 आ गया है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम ऑयल डाल देंगे, और बस इसे हमें उलट पलट करके 1.5 से 2 मिनट के लिए इसे सेक लेना है। तो देखिए, नीचे से काफ़ी प्यारा कलर आ गया है नाश्ते का। ये बहुत सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 1.5 से 2 मिनट में आप ये नाश्ता बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, दूसरे साइड से भी काफ़ी अच्छे से लाल हो गया है। और इसे आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आप इसे पकाइएगा। ये पैनकेक बहुत ही जल्दी बन जाता है, आम का पैनकेक है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप एक बार आप इस तरीके से पैनकेक आम का ज़रूर बनाइएगा, आपको आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये नाश्ता खाने में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, इसे पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छे से सीख गया है ये नाश्ता। और इतना ही आप नाश्ते को लाल करिएगा, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। और ये लीजिए, पके हुए आम से बना हुआ बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप ये नाश्ता मिनटों में बनाकर रेडी कर सकते हैं, खाने में तो बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट और हेल्दी है। तो आप एक बार आप इस तरीके से पके हुए आम का ज़रूर बनाइएगा नाश्ता। तो देखिए, ये नाश्ता कितना सॉफ्ट बनता है, कितना मुलायम बनता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा के दिखा रही हूँ कि नाश्ता कैसा बना है, बहुत ही सॉफ्ट ये नाश्ते बने हैं। तो एक बार आप इस तरीके से पके हुए आम का नाश्ता ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए, मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ, ये नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन यानी मैसेज आपको मिल सके। थैंक यू।